नमस्ते सलाम शास्त्रीय क्या हाल। आज हम रॉन्ग टर्न का पार्ट 6 लेकर आ गए हैं दोस्तों। तो अपने श्रवण यंत्रों को मेरे मुखार बिंदु की ओर केंद्रित रखना, क्योंकि हम आज एक्सप्लेन करने वाले रॉन्ग टर्न का आखिरी पार्ट यानी कि पार्ट 6। इसके बाद कोई भी पार्ट नहीं आने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में कुछ बाइक राइड कर रहे होते हैं। थ्री फिंगर इन्हें छुप के देख रहा होता है, फिर इनका पीछा करने लग जाता है और सही मौका देखकर एक तीर से उस लड़के पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़का अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है। वो लड़की परेशान होकर उस लड़के के पास जाती है। उसी वक्त थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो उसके मुंह के आर पार हो जाता है दोस्तों। वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और परेशानी की वजह से वहां से भागने लग जाती है। अपनी बाइक चलाते चलाते उसे पता ही नहीं चलता और वो एक नुकीली वायर में फंस कर गिर जाती है। ये नुकीली वायर वन आई और सॉ टूथ ने पकड़ी हुई थी। वो दोनों इसे दर्दनाक तरीके से ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर यहाँ पर आकर इस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद अब देखते हैं टैनी और टोनी को। इसके अलावा इनके साथ इनके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। ये दोनों और इनके फ्रेंड्स घूमने फिरने के लिए एक होटल में जा रहे होते हैं। बेसिकली कुछ दिन पहले ही टैनी को एक लेटर मिला हुआ होता है और उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि तुम होस्टल के मालिक हो, तुम इधर आओ, हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। ये पढ़कर टैनी बहुत खुश हो जाते हैं और वो इसी खुशी की वजह से अपने दोस्तों के साथ इसी होटल में जा रहे होते हैं। अब टैनी और उसके दोस्त इस होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर होटल के केयर टेकर इन्हें वेलकम करते हैं, लेकिन दोनों केयर टेकर इन सबको देख कर ज्यादा खुश नहीं होते हैं, क्योंकि इन्होंने सोचा होता है कि टैनी सिर्फ अकेला आएगा जबकि उसके साथ उसके बहुत सारे दोस्त आए हुए होते हैं। अब यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि इस होटल से चेकआउट कर रही होती है। उसी वक्त पर एक उड़ती हुई कुलाड़ी आती है और उसके अंदर घुस जाती है और उसी वक्त उस होटल का केयर टेकर जैक्सन वहां पर आता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन को पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे वो औरत मर जाती है। और इस होटल में चेकआउट होने का यही अंदाज है दोस्तों, काफी डिफरेंट है लेकिन यही अंदाज है। इस होटल में आने के बाद जो भी वापस आना चाह रहा है उसके पास मरने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ डैनी और उसके सभी दोस्त उस होटल की एंटीक चीजें देखकर हैरान थे, क्योंकि वो सारी चीजें बहुत महंगी थी और वो खुश भी थे क्योंकि सब चीजें डैनी की होने वाली है। रात का वक्त हो जाता है और उस होटल का केयर टेकर जैक्सन जंगल की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर वो इन तीनों भाइयों से मिलता है और उनको समझाता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। उसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि ये तीनों भाई और जैक्सन आपस में सिबलिंग्स हैं, यानी कि सारे भाई हैं। और उसके अलावा जो दूसरी केयर टेकर थी वो भी उनकी बहन होती है। अगली सुबह डैनी की क्लोज फ्रेंड होटल में जा रही होती है, उसकी नज़र जैक्सन पर पड़ती है जो कि एक जगह पर खून साफ कर रहा होता है। बेसिकली वही जगह थी जहाँ पर उस बूढ़ी औरत को मारा गया था, लेकिन वो जल्दी से बगैर कुछ समझे वहाँ से चली जाती है। उन दोस्तों में कुछ दोस्त शॉपिंग की वजह से मार्केट में आए हुए होते हैं और वहाँ पर उनकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जहाँ पर इस जगह के बहुत सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे होते हैं, यानी कि वो सब तस्वीरें लगी हुई होती हैं उन लोगों की जो यहाँ से मिस हुए होते हैं, और वो बहुत सारे लोगों की तस्वीरें थी। उसी दौरान शेरिफ भी यहाँ पर आते हैं और एक और तस्वीर लगा देते हैं। ये तस्वीर उसी बूढ़ी औरत की है जो रात को मिस हुई थी। होटल के अंदर जैक्सन टैनी को डिफरेंट हथियार दिखा रहा था। टैनी इन सब हथियारों को बहुत पसंद करता है और वहां से क्रॉसबो उठा लेता है। जैक्सन टैनी को कहता है कि चलो अब हम शिकार करने चलते हैं, और फिर आखिर वो जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां उन्हें एक हिरन नजर आता है और जैक्सन टैनी को शिकार करना सिखाता है, लेकिन असल में वो उसे इंसानों को मारने की टेक्निक सिखा रहा था, क्योंकि इसके जहन में बहुत से प्लान थे और जैसे जैसे वो उसे सिखा रहा था कि कैसे हिरन को मारना है, वैसे ही दूसरे सीन में थ्री फिंगर एक शेरिफ का शिकार कर लेता है। डैनी इस तरफ हिरन को मारता है, दूसरी तरफ थ्री फिंगर शेरिफ के मुंह में तीर घुसा देता है। दूसरी तरफ अब डैनी के दोस्तों को देखते हैं, क्योंकि डैनी इनको बताकर शिकार करने नहीं गया होता है तो वो सब बहुत परेशान होते हैं। खास तौर पर डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने एक दोस्त को उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भेजती है। जब वो दोस्त जंगल में जाता है तो वहां पर उस मरे हुए हिरन को देखता है और सॉ टूथ हिरन को पूरी तरह से खा रहा होता है। ये दोस्त जो सॉ टूथ को देखता है तो बहुत डर जाता है, डर के मारे भागने लग जाता है। भागते भागते इसकी टक्कर डैनी से हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही तेज भाग रहा होता है तो वो दोनों खुद को संभाल नहीं पाते और दोनों ही नीचे ढलान में जाकर गिर जाते हैं। गिरते समय डैनी एक नुकीली तार में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी जख्मी भी हो जाता है। उसके साथ का दोस्त मदद के लिए बुलाता है और जैक्सन भी वहाँ पर आ जाता है। जैक्सन डैनी की हेल्प करता है और उसे वहाँ से निकाल कर वापस अपने रिजॉर्ट यानी होटल में ले आता है। इस होटल की सेकंड केयर टेकर जो कि एक लड़की है, वो टैनी का खून साफ करती है, वो उसका ख्याल रखती है, उसका मेरी
मेडिसिन भी लगाती है और उसी दौरान डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी भी उस रूम में आ जाती है और वो केयरटेकर सैली वहां से चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में होता है और वो अपनी सारी दवाइयां फ्लश कर देता है। बेसिकली डैनी हाइपरटेंशन का मरीज था दोस्तों, यानी कि उसे बिना वजह टेंशन लेने की आदत थी और वो इसी मकसद के लिए दवाइयां लिया करता था। लेकिन पिछले दिन ही उसने हिरन का शिकार किया था और आज उसने अपनी सारी दवाइयां फेंक दी, यानी कि उसको किसी की जान लेने में बहुत मजा आया। ये एक्सपीरियंस आज से पहले उसने कभी नहीं किया था। अब शायद इसे दवाइयों की जरूरत भी नहीं थी। खाने के टाइम पे वो अपने दोस्तों को बताता है कि अब मुझे रिजॉर्ट या होटल बहुत पसंद आने लगा, मैं अब यहीं रुकूंगा और इस होटल की टेक केयर करूंगा। लेकिन बाकी सब लोग यहाँ पे नहीं रुकना चाहते थे और वो वापस जाना चाहते थे। डैनी के दोस्तों में दो दोस्त ऐसे थे जो बहुत ही लालची थे। अब इन्हें पता था कि इस होटल में बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं, तो वो उन चीज़ों को चुराने लगते हैं और इसी तरह वो और चीज़ों की तलाश में इधर उधर फिरते रहते हैं। और फिर आखिर वो एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं जो कि एक बेसमेंट की तरफ खुलता है और बहुत सारी कीमती चीज़ों की तलाश में बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पा बना होता है। ये दोनों अभी यही होते हैं कि इस होटल की दूसरी केयरटेकर जो कि सैली है वो उन्हें देख लेती है। और कुछ देर बाद वो तीनों भाई भी उस जगह पर आ जाते हैं और उस लड़के के सर पर मार कर उसे नीचे गिरा दिया जाता है। और ये तीनों भाई इस रूम में मौजूद लड़की के हाथ और पाँव उखाड़ देते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से वो लड़की बुरी तरीके से मारी जाती है और वो उस लड़के को भी मारने लगते हैं। और उसी वक्त सैली उसको रोक देती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ से अब चले जाओ। सैली उस लड़के को अपने रूम में ले जाकर उसके मुंह पर कपड़ा डाल देती है और उसका दम घोंट कर उसको वहां पर मार डालती है। दूसरी तरफ डैनी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। एक तो वो दवाइयां लेना छोड़ चुका था और अब वो बहुत खुश रहने लगा था, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहां उसकी मुलाकात उस केयरटेकर भाई बहन से होती है। केयरटेकर जैक्स कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाकी फैमिली मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ। डैनी इसलिए तैयार भी हो जाता है। दोनों होटल के केयरटेकर उसे जंगल के एक छोटे से गाँव में लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा डिफॉर्म लोग बैठे होते हैं। ये सब डिफॉर्म लोग डैनी की फैमिली थी। ये दोनों केयरटेकर डैनी को एक ड्रग देते हैं और उसे सारी बात डिटेल में समझाने लगते हैं। ये सब डिफॉर्म लोग प्योर ब्लड नहीं है क्योंकि इनके एंसेस्टर्स किसी दूसरी फैमिली से थे। और डैनी, तुम और सैली, तुम दोनों प्योर ब्लड हो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और जब तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन आएगी वो बिल्कुल प्योर ब्लड होगी, बिल्कुल थ्री फिंगर की तरह। यानी कि इन दोनों की शादी करवाकर थ्री फिंगर की तरह और उसके भाइयों की तरह और भी बहुत सारे लोग डिफॉर्म पैदा हो जाएंगे जैसा कि वो लोग चाहते हैं, और फिर इनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त पेड़ के पीछे खड़ा होकर इनकी सारी बातें सुन रहा होता है और उस वक्त सॉटूथ पीछे से आ जाता है और उस सुनने वाले को पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त उसे बहुत मदद मांगता है कि मुझे छोड़ दे, लेकिन डैनी इसकी एक भी नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं इसको नहीं पहचानता। और थ्री फिंगर इसके दोस्त को उल्टा लटका कर उसका गला काट देता है, जिसकी वजह से खून नीचे गिरने लगता है और वो सब लोग जो आसपास खड़े थे एक प्याला लेकर उसका गिरा हुआ खून उसमें भरने लगते हैं और पीने की ख्वाहिश करते हैं। लेकिन थ्री फिंगर को उन सबका बहुत ख्याल था। वो चाहता था कि खून की कमी ना हो, तो वो उसको पूरा ही काट डालता है और सब लोग उसका खून पीकर एंजॉय करने लगते हैं। और एक खून का प्याला डैनी को भी लाकर दिया जाता है, तो वो अपने ही दोस्त का खून भी पीने लग जाता है। अगली सुबह डैनी जब अपने होटल में वापस आता है तो उसकी वही क्लोज फ्रेंड टोनी उसको देखकर परेशान हो जाती है। वो उससे कहती है कि चलो अब उस होटल से चलते हैं अपने घर शहर की तरफ। लेकिन डैनी उस होटल को छोड़ने या उस जगह से कहीं भी दूर जाने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। वो उन सबसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तो यहीं पर रुकूंगा। इस वक्त तक डैनी अभी भी ट्रक के ही नशे में है जो कि रात को सैली ने उसको दी थी। ये सब लोग यहाँ से जाने से पहले किचन में जाते हैं, तो वहां पर वो देखते हैं कि एक इंसानी मांस को काट रहा होता है, उसे फ्राई कर रहा होता है और उसे खा रहा होता है। ये देखकर इन लोगों की फट जाती है। लेकिन वहां से निकलने से पहले इनकी नजर फ्रीजर में पड़ती है जहां पर इन्हीं के एक दोस्त का कटा हुआ सर रखा होता है, जिसे देखकर ये सब लोग वहां से जल्दी से भागने लगते हैं। ये लोग भाग ही रहे होते हैं कि वो तीनों भाई इनके पीछे पड़ जाते हैं। इन तीनों भाइयों से बचकर कुछ दोस्त तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक दोस्त पकड़ा जाता है। वो उसके मुंह पर एक पाइप सा लगा देते हैं और उसके अंदर पानी भरने लगते हैं। इतना पानी भरा जाता है कि पानी के प्रेशर से उसका पेट ही फट जाता है। अब हम दूसरे दोस्त को देखते हैं जो कि पहले तो थ्री फिंगर उसके भाइयों से बचकर भाग चुका था, लेकिन भागते हुए वो एक बियर ट्रैप में उसका पांव फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। वो कहीं नहीं भाग सकता था क्योंकि वो फंस चुका होता है। और वो तीनों भाई उसको भी पकड़ लेते हैं और उसके सर पर मार कर उसे भी हमेशा के लिए मार डालते हैं। डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी जो कि डैनी को ढूंढ रही होती है, वो वहां से एक गन उठाकर डैनी को ढूंढने लगती है और वो उसी बेसमेंट के स्पा में पहुंच जाती है जहां पर उसे सैली नजर आती है। और यहां पर इन दोनों की आपस में काफी लड़ाई होती है।
फिर आखिर टोनी उस केयरटेकर का मुंह पानी में डाल देती है और अपनी गन उठाकर उसको शूट कर देती है। और उसी वक्त डैनी भी वहां पर आ जाता है और अपनी फ्रेंड से सबसे पहले गन छीन लेता है और गोली लगी हुई केयरटेकर यानी कि सैली को जाकर चेक करता है कि उसको क्या हुआ है, वो जिंदा है या मर गई। डैनी अपनी क्लोज फ्रेंड टोनी को कहता है कि यहाँ से तुम भाग जाओ। टोनी वहाँ से भाग रही होती है तो उसी होटल का दूसरा केयरटेकर जो कि जैक्सन है वो उसका पीछा करने लग जाता है और इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है। और फिर आके टोनी एक चाबी की मदद से उसकी आंखें फोड़ देती है। वो इतने जालिम तरीके से मारती है कि जैक्सन भी वहीं पर मारा जाता है। इससे पहले कि टोनी वहां से भागती अपनी जान बचाती, डैनी वहां पर आ जाता है और अपनी क्लोज फ्रेंड टोनी पर बंदूक तान देता है, जिसका ये मतलब है कि डैनी नहीं चाहता कि अब टोनी जिंदा बचे क्योंकि वो उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। डैनी ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था। आपको मालूम है मैं किस नई फैमिली की बात कर रहा हूँ दोस्तों? उसी सेम टाइम पे उसकी पूरी फैमिली वहां पर आ जाती है, यानी कि थ्री फिंगर और उसके भाई भी। और डैनी अपनी क्लोज फ्रेंड और फैमिली में से अपनी फैमिली को चुनता है। अब थ्री फिंगर टोनी को भी जान से मार देता है। अब कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि डैनी अब उस होटल को चला रहा होता है और वहां पर आने वाली फैमिलीज को वेलकम कर रहा होता है। लेकिन बेसिकली इस होटल की आड़ में इंसानों को मारा जा रहा था और उनको खाया जा रहा था, जैसे कि हम इन तीनों भाइयों को देखते हैं इंसानी गोश्त का कीमा बनाते हुए। और यहीं पर रॉन्ग टर्न 6 भी खत्म हो जाती है दोस्तों। ये मूवी रॉन्ग टर्न सीरीज का आखिरी पार्ट है और अभी तक दोस्तों रॉन्ग टर्न का कोई भी ऑफिशियल पार्ट रिलीज नहीं हुआ। रिलीज होगा तो आप तो जानते ही, सबसे पहले हम उस पर वीडियो बनाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि ऐसे ही खूबसूरत वीडियोज हम आपके लिए बनाते रहें।